बमलेश्वर ज्योतिर्लिंग गर्भगृह में अब भक्तों को मिलेगी एंट्री। भारतीय पुरातत्व विभाग ने आदेश किए जारी। फिलहाल मंदिर प्रांगण के बाहर तीर्थ पुजारियों को भक्त की पूजा कराने की अनुमति नहीं दी गई। केवल भोले पर जल अभिषेक कर सकेंगे भक्त। उज्जैन में सांसद अनिल फिरोजिया मल्लापुरा चिंतामण रोड पर हादसे में हुए घायलों से मिलने जिला अस्पताल पहुंचे। इस दौरान सांसद ने सीएमएचओ को फोन कर जमकर फटकार लगाई। बड़नगर रोड पे दो बसें आमने सामने भिड़ी हैं और जिसके कारण लगभग 25 से 30 लोग घायल हुए हैं। एक ड्राइवर की मृत्यु हुई है और लगभग 4 से 5 पेशेंट जो है सीरियस है। मैं इंदौर में हवाई अड्डे तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 3 लोगों को जोरदार ठोकर मार दी। अनियंत्रित ट्रक की ठोकर से बाइक में बैठे 3 लोग छिटक कर सड़क पर जा गिरे, जिससे बाइक में तीन मृतक संजय उराव मृतक जो वर्ष है 45 वर्ष अपने बजाज प्लेटिना गाड़ी मोटरसाइकिल से मोटरसाइकिल क्रमांक CG11AF92-03 है। सीहोर में कलेक्टर एसपी ने कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का किया स्वागत। कथा खत्म होने के बाद कलेक्टर एसपी के साथ व्यास पीठ की आरती की। नर्मदापुरम जिला मुख्यालय पर एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं की सुरक्षा पर उठे सवाल। आए दिन छेड़छाड़ की घटनाओं का हो रही है शिकार। पुलिस ने मामले पर लिया संज्ञान। धार जिले के स्थायी कर्मी दैनिक वेतन कर्मचारी अंशकालीन कर्मचारी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 22 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी। हड़ताली कर्मचारियों द्वारा आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। निराकरण में अगर कुछ आज आश्वासन मिलता है नहीं मिलता है, अगर नहीं मिला तो ये जो हमारा अनशन है ये सतत ऐसे ही चलता रहेगा और इसके उपरांत में अगर मांगों का निराकरण नहीं किया गया तो भूख हड़ताल जारी। मकान निर्माण को लेकर दो पक्षों में हुई गोलीबारी। विवाद के दौरान एक पक्ष के 2 लोग हुए घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में किया भर्ती। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। कटनी लौटी सुनिधि को देखकर उसके माता पिता की खुशी का नहीं रहा ठिकाना। सरकार और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का जताया आभार। जगदलपुर में कुछ दिन पहले हुई डबल मर्डर का पुलिस ने किया खुलासा। सीसीटीवी से हुई थी आरोपी की पहचान। घरेलू विवाद के चलते की थी वारदात। जहां 17 फरवरी की रात में जो है सन सिटी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के एक मकान में जो है एक महिला और एक बच्चे का शव जो है बरामद हुआ था। रायगढ़ में स्कूल को लेकर लोगों और प्रशासन के बीच का विवाद जारी। पिछले दिन से स्कूल परिसर के सामने संयुक्त संघर्ष मोर्चा का अनिश्चितकालीन धरना जारी। बिलासपुर में पूर्व मंत्री ने कांग्रेस सरकार के कामकाज पर साधा निशाना। कहा 3.25 साल में बिलासपुर शहर में अपराध का ग्राफ बढ़ा है। अपराध नहीं रुके तो सड़क पर उतरेगी बीजेपी। आज अपराध गढ़ के रूप में परिवर्तित हो रहा है और इसकी अगर पृष्ठभूमि हम देखें तो कांग्रेस नेताओं के संरक्षण के कारण ये अपराध।
रायगढ़ में गोवर्धनपुर वार्ड में सड़क की बदहाली को लेकर लोगों में बड़ी नाराजगी। सड़क निर्माण की मांग को लेकर लोगों के समर्थन में आए बीजेपी विधायक सत्यानंद राठिया कलेक्टर से मांगों को पूरा करने की अपील। इससे होकर के सर्किट हाउस तरफ रोड जाती है जिसमें भारी वाहन का आना जाना रहता है, वहाँ पे रोड जो है एकदम खराब है, कॉलोनी वालों को रहने में बड़ा दिक्कत हो रहा है। रायपुर में बीजेपी ने यूक्रेन में फंसे छात्रों के परिजनों से की मुलाकात, सभी छात्रों की ज्यादा से ज्यादा वापसी के लिए चलाई जा रही है मुहिम। मेरा आप सभी के माध्यम से उनके अभिभावकों से आग्रह है कि वे बिल्कुल भी चिंता नहीं करें, आपकी सभी चिंताएं प्रधानमंत्री जी की चिंता है। बिलासपुर में शिशु रोग विशेषज्ञों ने थैलीसीमिया से जागरूकता के लिए लगाया निशुल्क शिविर, अभिभावकों को रोग के विषय में विस्तृत जानकारी और इलाज से जुड़ी जानकारी भी दी गई। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एक महंगी प्रक्रिया है जिसके लिए गवर्नमेंट भी फंडिंग कर रही है, कुछ एनजीओ भी फंडिंग कर रहे हैं, कुछ दानदाता लोग भी फंडिंग करते हैं और इस तरह से यह इलाज संभव है।